विजयनगर थाना अंतर्गत दो एसएसबी के जवानों के घर ताला तोड़ करके चोरों ने लाखों रुपए के सामान एवं आभूषण लेकर भाग निकले। मौके पर शिकायत के उपरांत जयनगर पुलिस पहुंचकर जांच पड़ताल की और साथ ही भरोसा दिया कि जल्द से जल्द चोरी किए हुए सामानों को खोजने में जयनगर पुलिस सफलता हासिल करेगी। अब देखने की बात है कि जो व्यक्ति देश की सुरक्षा में दिन रात सुरक्षा करते हैं वह भी आज बिहार में अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे हैं। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी जयनगर पुलिस इस चोरी की हुई सामान एवं आभूषण को खोजने में सफलता हासिल करती है। क्या नाम हुआ आपका? रविंद्र कुमार मिश्रा। कहाँ घर है आपका? घर मेरा मधेपुर है। जॉब करते हैं? हाँ, एसएसबी में जॉब करते हैं। कहाँ पोस्टिंग है? बाजार समिति में, जयनगर। कहाँ आपके, क्या क्या घटना घटी आपके यहाँ? हम लोग गए थे दुर्गा पूजा में, छुट्टी गए थे हम और हमारे एक साहब रहते हैं सर, तो हम लोग छुट्टी गए थे दुर्गा पूजा में और छुट्टी जाने के दौरान रूम सब बंद था, ताला वाला सब में लगा हुआ था, मेन गेट में भी ताला लगा हुआ था, हर कमरा में ताला लगा हुआ था, हर बैग हर बक्सा लॉक था। और इस दरमियान जब हम लोग छुट्टी में थे तो अब आज रात में हुआ कि कल रात में हुआ, कब हुआ पता नहीं, आज आए हैं तो पूरा गेट सबका ताला वाला टूटा हुआ है, सामान पूरा तितर उतर है। और जो मैडम का गहना उहना था, एक चेन था, कान का था, अंगूठी था और बच्चा का कुछ गहना था। अपनी पत्नी और बच्चे के गहने चोरी हुए? हाँ। और क्या क्या सामान चोरी हुए? और तो अभी तो चेक को किए नहीं है, मेन जो गहना था वो गहना देख रहे हैं तो गहना नहीं है, कुछ पैसा था पैसा ले लिया। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी तंजीम न्यूज पेपर दरभंगा।